आतंकी यासीन मलिक उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है वो आप देख सकते हैं, वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। जिस तरीके से हमने देखा है कि पाकिस्तान के पैसों पर यासीन मलिक कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाता था, अब पाकिस्तान से भी समर्थन आ रहा है, चाहे वो इमरान खान हो या फिर तमाम वो पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी जैसे लोग हों, सभी यासीन मलिक के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान तो यही चाहता है कि कश्मीर में वो दहशतगर्दी फैलाता रहे, इसीलिए अपने पालतू कुत्तों को इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फवाद चौधरी से लेकर इमरान खान और इसके साथ ही भारत में कुछ बैठे ऐसे राजनेता जो ये चाहते हैं कि भारत में शांति ना बने, वो भी उनके समर्थन में लगातार बात कर रहे हैं। सुन सकते हैं आप महबूबा मुफ्ती को, जिन्होंने उनके समर्थन में बयान दिया है। देखिए ये तस्वीरें, इसके साथ ही एक करके उन नेताओं के बयान जो यासीन मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं। यासीन मलिक का ऊपर बात करना चाहता हूं। उनका कल हिंदुस्तान के अंदर उनकी अदालत में उनको सजा सुनाई जाएगी और मैं इसलिए आज उनके ऊपर ये बात करना चाहता हूं कि यासीन मलिक किसी सूरत उनको दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो इनकी बड़ी लंबी स्ट्रगल है कश्मीर आज़ाद, अपनी आज़ादी की, कश्मीर की आज़ादी की स्ट्रगल। मैं बड़ी सख्त मजम्मत करता हूं हिंदुस्तान हुकूमत की, इनके अंदर कोई अखलाकी जवाज नहीं है कि एक आदमी जो इतनी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको इतनी देर जेल में रखा है, उसको इतनी देर टॉर्चर किया है, उसको अब दहशतगर्दी में सजा सुनाई जाए। मैं सारे पाकिस्तान की तरफ से इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मैं इंटरनेशनल कम्यूनिटी को आज अपील करता हूँ कि एक तरफ तो हम सबको आप कहते हैं कि यूक्रेन के ऊपर हम रूस के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन दूसरी तरफ जो कश्मीर में हो रहा है और ये इस तरह के यासीन मलिक से जो अब सबको नज़र आ रहा है कि कल उसको ये सजाए मौत सुनाई जाएगी, इसके ऊपर मैं इंटरनेशनल कम्यूनिटी को आज कहता हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड्स ख़त्म करें। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मजम्मत करें जबकि इंटरनेशनल कानून तोड़ा जा रहा है यूक्रेन में, दूसरी तरफ सारी खामोशी है जो कि कश्मीर के लोगों से और ख़ास तौर पे जो कि फ्रीडम फाइटर्स हैं कश्मीर में, फ्रीडम फाइटर्स का मतलब जिस तरह के अपनी अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं यासीन मलिक जैसे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो ये तो मैंने पहले भी कहा, एक सियासी मसला है जम्मू कश्मीर, यहाँ पहले भी कई लोगों को फांसी दी गई, उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई, उससे तो मसले कश्मीर हल नहीं हुआ बल्कि और उलझ गया। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो इनकी मस्कुलर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके नतायज बरक्स होंगे, इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, बल्कि इससे हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, मसला सुलझने के बजाय मसला उलझ रहा है। अब इंशाल्लाह जो प्लान है हमारा वो यही है कि इमरान खान 25 तारीख को सुबह पेशावर से बहुत बड़ी रैली के साथ जो है वो इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में जो क़याम है वो आपको पता है श्रीनगर हाईवे के ऊपर है, कश्मीर हाईवे के ऊपर है, और ये इसलिए भी है कि हम यासीन मलिक साहब से भी इजहार यकजहती करना चाहते हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने एक कन्फेशन के ऊपर, यानी जो एक ऐसा कन्फेशन, एक ऐसा एविडेंस होती है जिसके ऊपर दुनिया का कोई महज़ब मुल्क जो है उसका जुडिशल सिस्टम एतबार नहीं करता, पुलिस के साथ अंडर जो कन्फेशन है, इतराफ़ जुर्म जो पुलिस के सामने हो, हमेशा अदालतें उसको रद्द करती हैं और कहती हैं कि आप दूसरी एविडेंस लेके आएं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में जिस तरीके से जुडिशल सिस्टम भी तबाह हुआ है वो भी हमारे सामने है, और हमने देखा है कि यासीन मलिक साहब को एक कन्फेशन की बुनियाद के ऊपर
उन्होंने जो है वो गिल्टी करार दिया है और अब उनकी कल सज़ा का तयन होने जा रहा है, वो भी हमारी दुआओं में शामिल होंगे, हमारे दिल की धड़कनों में वो शामिल हैं। कश्मीर का हर फ्रीडम फाइटर हमारे दिल की धड़कनों में शामिल है और उसके ऊपर हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़े है। और 25 तारीख को इंशाल्लाह जो हमारा ये हकीकी आज़ादी मार्च है उसमें जो कश्मीर की आज़ादी भी जो है वो हमारा एक इंटेग्रल पार्ट है, कलीदी हिस्सा है हमारे तमाम सियासत का। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को